धवल्लभ श्री हरि वं हरिवन राधावल्लभ श्रीहरीवन सत्मस धुमकर रसोगारा सार जम भित श्रवद्रिते सुराधिके तव कदा शरणा गोविन्द जीवन धनौ शेरसा गोविन्द जी सिर सवी श्री राधा की जय महाप्रभु श्री तरिवेश चंद्रजू महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय बिट पनी सो जो मिलत है धाई बड़ी वो प्रेम नहीं समाई ले, ले रज मस्तिक पर धार पुणे पुण्य तरु साखाने निहारे पुणे पुणे तरु साखाने निहारे प्रसंग चल रहा है श्री महाप्रभु श्री कृष्णदास जी और मनोहारी जी दोनों सखियों को समस्त भेट सामग्री को और सुंदर एक डोले में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करके ब्रज की सीमा में प्रवेश किया अलौकिक दशा महाप्रभु की यद्यपि हर समय ही है अब प्रतिक्षण प्रेम की नई नई तरंग उसमें बढ़ रही है। एक अद्भुत विचित्र दशा हो गई प्रवेश करते हैं बार बार लताओं का आलिंगन करते हैं नेत्रों से अश्रुओ का प्रवाह कर रहे हैं लताओं का आलिंगन करते हैं उनकी महिमा का गान करते हैं भूमि पर लौट जाते हैं रच को मस्तक पे लगाते हैं बार बार गदगद गद हो रहे हैं पुलकित हो रहे हैं महिमा का वर्णन कर रहे हैं वृंदावन धाम की महिमा का कहां तक वर्णन करें ये श्री श्यामा श्याम का अपना निज महल है नित्य है यहाँ जो दिखाई दे रहा है अपनी लौकिक दृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है ये अलौकिक है यमुना पुलिन पे प्रात काल के समय चौरासा जी का पाठ और श्री जी का श्रृंगार दर्शन हुआ कुछ समय पहले थोड़ा स्वास्थ्य समय महाराज जी का ठीक था संपूर्ण दिनचर्या जैसे यहाँ होती है चौरासी जी का पाठ श्री जी का दर्शन आरती स, ये हुआ कीर्तन हुआ कीर्तन में नृत्य आदि होने के बाद थे थोड़ी देर महाराज जी बैठे पल्ली पार था ऐसे ये यमुना जी और उनकी रेणुका वहां बैठे हुए थे एकदम कहा अच्छा वो कह रहे हैं उस वो देख रहे हैं बता रहे हैं ये तुम जो देख रहे हो ये बिल्डिंग है मकान है या और भी बाहर से कुछ नहीं है इसी समय इसी समय ये अलौकिक श्री वृंदावन है महादिव्य कुंज है निकुंज हैं बस नेत्रों का पर्दा हटना है और कुछ नहीं होना हमारे नेत्रों के ऊपर पर्दा पड़ा, पड़ा यही हटना है यमुना पुलिन पर श्री महाराज जी के बीच बस जो दिनचर्या मिली इसी में लगे जो सेवा मिले जो इस उपासना प्राप्त हो गए इसी को जीवन बना लो ये पर्दा स्वयं श्यामा श्याम हटा देंगे पर्दा फाड़े कपट का झपट लाडली लाल प्रकट भय मान सर श्यामल गौर मराल स्वयं आके इस पर्दे को वे हटा देंगे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाएंगे अपना लेंगे जो आज हम सुनते हैं कि ऐसा वृंदावन है ऐसी महिमा है हमें दिखाई नहीं देता कई बार अविश्वास भी होता है अश्रद्धा भी होती है कि इतनी महिमा का गान करते हैं क्या है भी है और इसकी प्रमाण करने क्या प्रमाण देने की या प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है बस बने रहो आज प्रात काली महाराज जी कह रहे पढ़े रहो बस वृंदावन में सिद्ध हो जाओगे इतने इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कुछ नहीं हो सकती पड़े रहो सिद्ध हो जाओगे ऐसा और क्या चाहिए और क्या चाहिए केवल धाम में पढ़े रहो सिद्ध हो जाओगे ऐसा कह रहे नहीं साधन बनना नहीं भजन बनना उसकी चिंता मत करो ऐसे ही पढ़े रहो जैसे हो आप आश्रित हो प्रभु की कृपा से समस्त वैभव हृदय में प्रकट हो जाएगा सिद्ध हो जाओगे यहां की महिमा जहां तक वर्णन की जाए सब जितनी हृदय में आई उतनी है संपूर्ण नहीं है श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने ऐसा वर्णन आता है सौ शतक दिव्य महिमा के वृंदावन धाम के लिखे हैं सौ शतक आज जो अपने जनों को उपलब्ध है सत्रह शतक उपलब्ध है बस सौ शतक तो लिखे हैं और अनेकों जगह जिन्होंने भाव का गायन किया है उसमें महिमा अलग है सत्रह शतक उपलब्ध है महाप्रलय के समय भी यहाँ उसकी पवन का स्पर्श नहीं होता ये दिखाई दे रहा है कि भूतल पे भौम पे नेत्रों के समक्ष है जैसे होता है ना कि यहाँ से तो आगरा चले गए कि अमुक जगह चले गए एक सहजी तो है पर ये अनादि है अनंत है महामहिमाशाली है यहाँ की पत्र की एक पत्र की उपमा का वर्णन नहीं किया जा सकता उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता उसकी उपमा को कहीं दिया नहीं जा सकता वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुना है कोटि कोटी बैकुंठ हु न आए उसकी समानता नहीं कर सकते महापुरुषजन जो देख रहे हैं करोड़ों करोड़ों बैकुंठ भी यहां वृंदावन के एक पत्र की शोभा का उसके सौंदर्यता का इस वृंदावन की महिमा का स्वयं से श्यामा श्याम अपने श्री मुख से गान करते हैं लीला में ध्रुवदास जी कह रहे हैं गावत वृंदा बिपिन गुण नवल लाडिलीला स्वयं मुख से गायन करते हैं नवल युगल हमारे प्रिया प्रीतम सदैव गान करते रहते हैं करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्ष श्री वृंदावन धाम की लताओं की समानता नहीं कर सकते यहाँ की रच की समानता करोड़ों करोड़ों बैकुंठ नहीं कर सकते रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की ही माए अन्य लोगों की तो चर्चा ही क्या चला है यदि शारदा सरस्वती जी करोड़ों करोड़ स्वरूप धारण करके और करोड़ों वर्षों तक श्री वृंदावन धाम की महिमा का आप कहेंगे कि बहुत बड़ा चढ़ा के कहते जा रहे हैं सच्ची बात यह है अभी मान लिया जाए तो मानने का फल होगा जान लिया जाएगा महापुरुषजन जिन्होंने इस महिमा का गायन किया है वो देख रहे हैं उसके बाद जो हृदय में कहने की उमंग हो रही है ना तो जो देख रहे हैं वो संपूर्ण नहीं कह पा रहे कुछ कह पा रहे हैं महाप्रभु कह रहे प्रथम यथामति श्री वृंदावन में मैं यथामति जितनी श्री जी कृपा से आ रही है वृंदावन की महिमा बस उतना वर्णन कर रहा हूं संपूर्ण नहीं कर रहे स्वयं आचार्य हैं वो तो हित स्वरूप हैं श्यामा श्याम वृंदावन सखीजन स्वरूप है वे कह रहे हैं यथामती जितनी आ रही है जिस समय भगवत कृपा होगी श्यामा श्याम अपनी सहज कृपा की बांध पर ढुरेंगे तो दिखाई देगा और निश्चय इस बात का दृढ़ भरोसा हृदय में रखना चाहिए बिल्कुल आज अपनी ओर से जितना सामर्थ है झोंक दो तो बस पूरा प्रयास जितना आपके अंदर बल है लगा दीजिए जिस समय शरीर असमर्थ हो जाएगा कुछ करने के योग्य नहीं होंगे उस समय श्यामा श्याम बैठ जाएंगे आज जो है उसे झोंक दीजिए आज बचा के मत रखो और कल की चिंता मत करो स्वयं प्रिया प्रीतम हम जिनके आश्रित हैं वे निर्वाह करेंगे वे सब करेंगे पक्की बात है अगर महापुरुषों को उपासकों को अनुभव नहीं होता तो ऐसे ही थोड़ी बात बनती है वे देखते हैं प्रतिपल बढ़ते हैं इसी अनुभूति के आधार पर तो बढ़ते हैं कैसे उनके हृदय में कृपा की करुणा की वर्षा हो रही है वो देखते हैं और है ऐसी ही महिमा का बने हमें विश्वास कर लेना है क्यों म्यू त्याग के बस इसमें अपने चित्त को लगा के बढ़ जाना है यार तो जो वृंदावन धाम है स्वयं प्रकाशित हो जाएगा वे दिखा देगा अपनी महिमा बता देगा अपनी महिमा नाम रूप लीला धाम ये चार खंभ हैं मानो भगवान ने अपनी प्राप्ति की सहज ये प्रकट कर दी है नाम का निरंतर रटन तो फल तो क्या वर्णन कहें प्रभु की प्राप्ति दुख में जो हमारा समय बीता है या बीतेगा उसका नाश नाम की महिमा और आगे निरंतर प्रेम में डूबे रहना श्यामा श्याम को दुलार करना रूप का चिंतन उसका भी प्रभाव श्यामा श्याम की निकटता हमारा आवागमन बंद हो जाए निरंतर हम प्रेम प्रवाह में पड़े रहे लीला लीलाओं का गायन लीलाओं का चिंतन ये सब एक ही समान है श्यामा श्याम की प्राप्ति और धाम का वास निरंतर रूप का चिंतन कर सके लीलाओं का चिंतन कर सके ऐसी अभी अपनी सामर्थ्य नहीं है हाँ अत्यंत सहज कृपा में सरल प्रकट है नाम और नाम श्री वृंदावन धाम में धाम में गूंज रहा है आप वृंदावन धाम धाम में आकर पड़ जाइए यदि आप नाम ना भी जपे तभी सुनाई देगा धाम यहां नाम ये महिमा है धाम की चलत फिरत सुनियत यह है। श्री राधा वल्लभ लाल चलते फिरते आप कहीं भी किसी भी कार्य से जाएं आप कोई भी हो आपको नाम सुनाई देगा राधे राधे राधा वल्लभ जी बिहारी जी राधा रमण जी सहज में ये वृंदावन धाम है ये धाम की महिमा है धाम सर्वोपरि इसलिए रखा गया धाम में नाम की वर्षा हो रही है यह नाम गूंज रहा है धाम की कृपा से रसिकों का संग रसिकों की कृपा से उपासना पद्धति उपासना पद्धति से भजन की उन्मत्तता रूप का स्फुरण रूप का स्फुरण अब हृदय उनसे दूर रहने की सामर्थ्य खो देता है अब नहीं रह सकते बस लीला में प्रवेश ये क्रम है तो धाम अत्यंत सहज है श्री महारानी जो कृपा करते हैं महिमा का तो क्या कहें यदि स्वयं सरस्वती जी भी करोड़ों करोड़ों वर्षों तक इसकी महिमा का गान कर सकते हैं तब भी पार नहीं पा सकते हैं ये अथा है अनंत है वृंदावन आनंद घन सर्वते उत्तम आहि। सर्वोपरि वस्तु है श्री वृंदावन धाम। प्रिया प्रीतम का निज स्वरूप श्री वृंदावन धाम है प्रेम स्वरूप श्याम श्यामा श्याम और प्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम अब इसकी प्राप्ति के उपाय के लिए श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जिनको वृंदा विपिन है कृपात नहीं की हो वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सो ये वृंदावन धाम जिनका है वही कृपा कर दें तो वृंदावन का अखंड वास मिल जाए आश्रय मिल गया है और कोई उपाय नहीं आगे कह रहे हैं कि श्री जी की कृपा से ही वृंदावन प्राप्त होगा तो मानो चित्त उनकी महिमा पे गया उनकी कृपा का स्मरण करने लगा कु नाम सो उपजो दृण विश्वास निधि मृदु चेत यती ताते बड़ी जिया वे अत्यंत करुणामयी है मृदुल चित्त हैं उनका नाम महामहिमाशाली है एक बार कोई मुख से राधा कह दे उसकी बात बन गई उसके अनंत जन्म की बिगड़ी बन गई ऐसा जिनका नाम है उन्हीं का ये निज धाम है वही कृपा करें बस अब हृदय में विश्वास हो रहा है वही कृपा करेंगी और मुझे अपने निज महल का वासी बना लेंगी महाप्रभु वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं ऐसी अलौकिक दशा है और श्रीजी से विनय कर रहे हैं हे राधे कानन जूवधीस अपनो करवर राखोसीस हे करुणा निधी रासे सुरीस दर्शावो वो रस भव दुरी अपने ग्रह निवास दे हम को यह जिए आशा जाछो तो को हे राधे हे मई हे महारानी जो हे अधीश्वरी वृंदावन की श्री किशोरी जू मेरे मस्तक पर अपना कर कमल विराजमान कर दीजिए हे करुणानिधि हे रास विहारिणीजू मेरे नेत्रों के समक्ष अपना रस वैभव प्रेम वैभव प्रकट कीजिए मुझे अपने निज ग्रह इसमें निवास प्रदान करें वृंदावन का वास ऐसे प्राप्त होता है जिसका हृदय तड़प रहा है वृंदावन आए एक आध दिन के लिए या घंटे दो चार घंटे के लिए अब हृदय में कैसे अखंड वास हो लताओं को आलिंगन करके रोते हैं कब करुणा होगी मुझे रख लीजिए अपने समीप रख लीजिए एकांत में रज में लेटे हुए हैं हम देखें निधि जी में लताओं से लिपट के रो रहे हैं मुझे वृंदावन वास दे दो रज में आलिंगन कर रहे मस्तक पे चढ़ाएं मुझे वृंदावन वास दे दो आप सब कृपा करें तो श्री जी के चरणों का आश्रय मिल जाए मुझे अखंड वास मिल जाए और कोई उपाय नहीं है यहाँ पैसे से वास नहीं होता यहाँ कृपा से वास होता है यहाँ वृंदावन का वैभव कृपा करे तो यहां वास होता है यहाँ कोई जुगाड़ काम नहीं करती यहाँ कृपा काम करती है महारानी जो रीज जाए महाप्रभु पुकार ने मुझे अपने निज महल में वास दे दीजिए कृष्ण वल्लभा ईष्ट देहु बनवास कहत हो टे प्रेम विवस दौलत वन माही रहत तर तर की छाई जहां जाए तहाँ बंदन करें महाप्रभु के लिए कह रहे हैं श्री वृंदावन दास चाचा जी देख रहे हैं उनकी अवस्था को जहां जाए तहां करे, आनंद उर में भरे हे कृष्ण महारानी मेरी ईष्ट तो आप ही हैं मेरी सर्वस्व तो आप ही हैं मुझे अपने समीप वास दे दीजिए मुझे वृंदावन का अखंड वास दे दीजिए प्रेम की व्यवस्था में बस भ्रमण कर रहे हैं समस्त परिकर आश्चर्य चकित ऐसी अद्भुत दशा महाप्रभु की देख के बार बार लताओं के नीचे रुक जाते हैं आलिंगन करते हैं पुकारने लगते हैं जहां जहां चलते हैं जो जो नेत्रों के गोचर होता है सबकी वंदना करते हैं लता तृण खग मृग पशु पक्षी सबको प्रणाम करते हैं हमें वृंदावन का वास मुझे अपने समीप रख लीजिए बंदो खग समूह बन जेते मोह पे अनुकम्पा करते रतिरन सदन जहा है दंपति मुहिदर सावो सो बन संपत्ति ये है उनकी प्राप्ति का उपाय साधन क्या साधन करेंगे अभी दिख रहा है कि बहुत अच्छा अब थोड़ी देर में मन की वृत्ति कहां से कहां पहुंचे केवल कृपा का आश्रय बड़े बड़े स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु मैंने बड़ी बड़ी पदवियों पर चढ़े हुए जो जन हैं उनको देखा गिरते हुए माया के प्रताप से पर जिन्होंने आपका आश्रय ले लिया है जिन्होंने आपका भरोसा स्वीकार कर लिया है अब उनके लिए कहीं भी कोई भी कष्ट नहीं कहीं भी उनके मार्ग में रुकावट नहीं आ सकती क्योंकि स्वयं आप उसके मस्तक पे हाथ रखे हुए हैं किसकी सामर्थ्य है जो आपके जन की ओर देख सके रन सदन जहां है दंपति हे खग मृग पशु पक्षी हमारे ऊपर अनुकंपा कीजिए हमारे ऊपर करुणा कीजिए श्री श्यामा श्याम का निज वैबंबरे नेत्रों के सामने प्रकट कीजिए अति उदार बन तरुवर तिन तर बसत प्रिया मुरलीधर धर कृपा करी बाट बतावो गौर श्याम रस के लिए दिखावो हे वृंदावन धाम की लताओं मैं आपकी शरण में हूं आपके क्या महिमा का वर्णन करूं श्यामा श्याम आपके नीचे खेलते हैं विराजमान होते हैं विश्राम करते हैं उन्हें आप सुख प्रदान करते हैं मेरे ऊपर कृपा कीजिए मुझे वो रास्ता बता दो जहां श्यामा श्याम मिलेंगे मुझे वो राह दिखा दीजिए इधर से श्यामा श्याम आएंगे बंदो बेली कोमल और वर रस जिन तर मुहि बुलाई ले हो करुणा करी के मिथुन खेल दे खो भर के हे वृंदावन धाम की लताओ बेलियों आपका हृदय तो अत्यंत कोमल है ये प्रेम की दशा देखो कैसी महिमा है एक एक को प्रणाम कर रहे हैं जो नेत्रों गोचर सब भी वंदना कर रहे हैं ये महामहिमाशाली है कहीं ये नहीं कि कहीं नहीं एक एक की वंदना करते आप कृपा कर दीजिए जब हृदय में ये बात आ जाएगी ना मुझे प्रभु चाहिए दृढ़ता इस बात की हो जाएगी बस श्यामा श्याम चाहिए तो ये स्थिति आ जाएगी उसके हृदय में यह रहता है किसकी वंदना कर दूं किसके चरणों को पूज लूं हम पे कृपा कर दें हमें श्यामा श्याम को मिला दें वो किससे द्वेष करेगा किससे लड़ाई झगड़ा करेगा किससे वैर विरोध करेगा रह ही नहीं जाता कहीं नहीं रह जाता उसका हृदय तो बिकल है कब प्रभु को नेत्र भर के देखूंगा मेरा समय एक एक क्षण युग के समान बीतता है महाप्रभु श्री चैतन्य देव कह रहे हैं चक्षुषा प्राविशायतम सोनम जगत सर्व सर्वम गोविंद दे दे। हे प्रभु आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य दिखाई दे रहा है ये एक एक क्षण मेरा युग के समान व्यतीत हो रहा है आप नेत्रों के सामने आ नहीं रहे और एक एक क्षण ऐसा प्रतीत होता है मानो युग बीत गए अब कैसे आप संगीत उसकी हृदय की दशा ये रहती है कहा उसे फुर्सत है कि किसी और देखे बस जो मिलता है चाहे उसके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो सबके चरणों में बस पड़ता है मुझे प्रभु से मिला दू प्रभु मिल जाए इतनी हम कृपा कीजिए मोही बुलाई ले करुणा करी मुझे अपने समीप बुला लीजिए मैं लताओं की ओट से श्री श्यामा श्याम के प्रेम खेल को देखूं इतनी हम पे कृपा करें वंदो करुणा भरी रुणा भरीक हो जा तो प्रिय रहसी दिखावो मोही श्री यमुना जी मैं आपकी वंदना करता हूं आप कृपा कीजिए आप समर्थ है हमारे नेत्रों के सामने श्री श्यामा श्याम को प्रकट कर दीजिए वंदो पुलिना चरण सुख देनी पिय सहित रमे मृगनैनी जगमगात पद चिन्ह जुतो पे देहु दिखाई कृपा करिमो पे हे यमुना जी के पुलिन की रेणुका हम आपकी वंदना करते हैं हम पे कृपा कीजिए श्री युगल सरकार श्यामा श्याम राधा माधव आपके पुलिन पर विहरण करते हैं रमन करते हैं उनके चरण चिन्ह सदैव आप पर विराजमान रहते हैं हम पे कृपा कीजिए कि मैं इन नेत्रों से उन्हें देख पाऊं सबकी वंदना करें हा काले तो मम निधि प्रेयसाचाई तो भो 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 दिव्याद्भुत तरुलताज हे राधाय रतिग्रह सुका हे मृगा हे मयूरा भूयो भूया प्रणतिरह प्रार्थये वो नुकंपम ये महापुरुषों का आर्तनाद नाद है श्याम आ शाम के लिए हमारे हृदय में ऐसी अभी विकलता नहीं है पर इन महापुरुषों की कृपा इनकी महिमा का गायन श्रवण निश्चित ये प्रदान कर देगा ये बात निश्चित हमें प्राप्त हो जाएगी इनकी कृपा से ये जैसे अपने जन श्रवण कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई कथा हो रही है प्रसंग हो रहा है समय हमारा नहीं ये एक क्षण एक महा महिमा से प्रभु करुणा करेंगे तब पता चलेगा हमें आज क्या प्राप्त हो रहा है अभी अनुभव में नहीं आ रहा यदि दृष्टि से देखें ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा तो बहुत कृपा है पर जिस समय अनुभव प्रभु कृपा से होगा तो बस संभाल नहीं पाएंगे महाराज जी से ऐसे पूछा तो महाराज जी ने कहा कि जी अभी पता नहीं चल रहा लेकिन जब आपको जो प्राप्त हुआ प्रभु करुणा करके दिखाएंगे ना तो रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा देखो महापुरुषों की अवस्था बस नेत्रों से अश्रु बहते रहते हैं केवल नेत्रों से रोने की प्रभा कुछ नहीं रह जाएगा बड़ी कृपा है वो डूबा रहता है तो ये समय ऐसे ही नहीं जा रहा ये एक एक शब्द महामहिमाशाली चिदानंद में है ये कोई साधारण नहीं है निश्चित हमारे हृदय में ऐसी अवस्था प्रदान कर देगा हमने गुरुजनों से जो सुना है वही बात अपने कह रहे हैं है, महामहिमाशाली बात समद की वंदना करते हैं महाप्रभु गिरिराज जी की गिरिराज जी की कंदराओं की बस यही विनय कर रहे हैं कि हमें वृंदावन का वास दे दो हमें श्यामा श्याम का दर्शन करा दो हमारे नेत्रों के सामने उनकी दिव्य लीला को प्रकट कर दो श्री प्रियाजू सखियों के संग जहां विराजमान है भानु कुमारी रमे सखी गन में सकल सुगंधि सुमंडित तन में ताको पवन जुपिए पहचानो नासिकृता रथ मानो ता करो प्रणाम बंदो वह पवन अभिराम श्री जू सखियों के संग में विराजमान है उनके श्रेय का स्पर्श करके वायु प्रवाहित हो रही है वायु के प्रवाह जब लाल जू को स्पर्श करता है पुलकित होने लगते हैं धन्याति धन्य धन्य है धन्य है ऐसा उच्चारण करने लगते हैं अपने आप को कृतार्थ मानने लगते हैं महाप्रभु कह रहे हैं मैं उस दिशा को नमस्कार करता हूं तस्या नमोस्तो भुवो दिशे पे उस दिशा को नमस्कार करता हूं जहां ऐसी महारानी जो विराजमान है और उनके की वायु का स्वयं लालजू महाराज सेवन कर रहे हैं उन्हें जब प्राप्त हो रही है तो गदगद हो रहे हैं ऐसी श्री किशोरी जी का मैं वंदना करता हूं नमस्कार करता हूं उस दिशा को नमस्कार करता हूं करुणा कुशल भानुकुल मणि मेरे तुम हो सिर धनी स्वामिनी सो जो बिनती करें प्रेम छके मुखियों उचरे हे करुणा निधान श्री किशोरी जू हे विश्वानुनंदिनी श्री स्वामिनी जू मेरी एकमात्र जो कुछ है गति मति आप ही हैं मेरी तो सर्वस्व सिरोभूषण आप हैं आप मेरी विनय को स्वीकार कर लीजिए मुझे वृन्दावन का वास दे दीजिए बार बार प्रेममय अवस्था मुख से ऐसा उच्चारण कर रहे हैं समस्त वृंदावन का वैभव खग मृग पशु पक्षी लता पता सब की वंदना करते हैं हम पे कृपा करो मानो आदर्श प्रकट कर रहे हैं कि उपासक हृदय में यदि श्यामा श्याम की प्राप्ति चाहते हो नेत्रों से श्यामा श्याम को देखना चाहते हो तो बस ये पद्धति स्वीकार कर लो एक एक को प्रणाम सबको सब को प्रणाम करो कोई गाली भी दे दृष्टि वक्र करे तब भी प्रणाम हमें अपनी बात बना प्रभु करुणा कीजिए रीत जाइए हमारे नेत्रों के सामने आ जाओ और सच्ची प्रभु मिल जाए उसके बाद आगे की प्रभु जाने पहले एक ही बात हृदय में दृढ़ हो जाए प्रिया प्रीतम मिल जाए माया का बड़ा विचित्र चाण कब कौन सी वृत्ति को बिगाड़ दे और कहां से कहां ले जाए कोई पता नहीं जैसे कहेंगे प्रभु के आश्रित अंतराय पड़ जाएगा उसका क्या करोगे जो समय व्यतीत हो रहा है निश्चित है जो प्रभु के शरण हो गए ये जो बीच में समय व्यतीत हुआ हमारा भगवत विमुख समय बीता उसका क्या करेंगे इसलिए एक ही बात प्रभु कृपा से हृदय में भर जाए बस मुझे श्यामा श्याम चाहिए बाद में सब देखेंगे प्रियाजू की इच्छा जो होगी जो उनको जो कराना है वे जाने पहले मेरा काम है मुझे भगवत दर्शन हो जाए मैं भगवत प्रेम में उन्मत्त हो जाऊं मैं इन नेत्रों से श्यामा श्याम को देख लू मेरी बात बन जाए उसके बाद जानेंगे कुछ और ये जरूरी है जरूरी है जैसे कोई कहे भगवत दर्शन की क्या आवश्यकता भगवत प्राप्ति की क्या आवश्यकता अरे दुख से छूटने के लिए जल रहे हैं इससे छूटने के लिए ही बस मान लो कि मुझे प्रभु चाहिए प्रेम होगा ये तो आगे की बात है वो तो करुणा में है पर मैं इस संसार प्रपन से छूटना चाहता हूँ हैं निकलना चाहते है। बस एक बार में इस प्रपण से निकलना चाहता हूँ ये यदि भजन मार्ग में ठीक से चलना है अपने लक्ष्य को दृढ़ता से प्राप्त कर लेना है अतिशीघ्र तो ये बात हृदय में धारण करनी पड़ेगी सब तरफ से दृष्टि हटा के बस अपने श्यामा श्याम की ओर लक्ष्य की ओर दृष्टि करो यहाँ सब होगा दिखाई देगा बहुत अच्छा हो रहा है या दिखाई देगा बहुत गड़बड़ हो रहा है ऐसा भी होता है क्या यहाँ सब होगा ये भगवान ने बनाया ही है दुख या सब कुछ है या कुछ भी एक समान नहीं रहता ये विषम है होगा अपनी बात बना लेनी भाग चलो बस भाग चलो गुरुजन ये बात समझा रहे हैं बस ये समझ में आ जाए प्रिया प्रीतम नेत्रों गोचर हो जाए उसके बाद प्रभु की जो इच्छा हो वे कराए हमारी बात बन जाए शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की जय